सेना को दो गुट में बांधने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना एनसीपी है। एनसीपी चीफ शरद पवार के घर में सेंधमारी करके एक बड़ी कामयाबी देवेंद्र फडणवीस हासिल करना चाहते हैं। इसे लेकर जानकारी सामने आई है। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस का दोस्ताना साल 2019 में सबने देखा है और अब इसी को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की फ़ोन पर बातचीत हुई है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस को फ़ोन किया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने को लेकर बातचीत की है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कई तरह के सवाल हैं जो बार बार उठाए गए सरकार पर। अजीत पवार ने भी कई तरह के सवाल उठाए थे और इन तमाम सवालों के बीच में अब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की फ़ोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत में कई बड़े फैसले हैं जो फडणवीस और पवार की तरफ से लिए गए हैं। इन फैसलों का क्या अंजाम निकलता है? क्या अजीत पवार एनसीपी से अलग देवेंद्र फडणवीस का हाथ थामने के लिए मान जाते हैं? आगे आने वाले वक्त में देखना होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।